नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के त्रिउल्डी मिलन चौक सड़क पर ओवरलोड बालू हलदे हाईवा ने बाइक को कुचला, 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। मानगो स्थित जिमना रोड में सांप को गले में डालकर मस्ती करने के दौरान सांप के जकड़ने से हुई व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर वन विभाग ने हिरण के सिंह और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्सों के साथ 3 तस्कर को पलामू से किया गिरफ्तार। औसित गोड़ा के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 30 पेटी नकली शराब किया जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के त्रिउल्डी मिलन चौक सड़क पर सोड़ो मोड़ के पास एक ओवरलोड बालू लदे हाईवे ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसे बंगाल के बाद मुंडी थाना के सिंदरी निवासी बाइक सवार 12 वर्षीय सुनील महतो की मौके पर ही मौत हो गई। वह मृतक के पिता सबन महतो व 9 वर्षीय बेटी पद्मा महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को मिलन चौक स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोनाहातु थाना क्षेत्र के गाडाडीह से अपना घर सिंदरी जा रहे थे, तभी सोड़ो मोड़ के पास HLM एंटरप्राइजेस का अनियंत्रित ओवरलोड 16 चक्का हाईवा सीधा बाइक को कुचल दिया। सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे व त्रिउल्डी थाना प्रभारी आलम चांद महतो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उग्र ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे। करीब 3 घंटों तक उग्र ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा करते हुए HLM एंटरप्राइजेस द्वारा 16 चक्का हाईवा में प्रशासन के मिलीभगत से ओवरलोड बालू संचालन को बंद कराने, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने, अवैध बालू को रोकने आदि का मांग कर रहे थे। पुलिस की टीम पहुंचते ही प्रशासन और HLM एंटरप्राइजेस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने मुआवजा दिए बिना लाश को उठाने का विरोध किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि 16 चक्का हाईवा द्वारा HLM एंटरप्राइजेस द्वारा वैध बालू डंप के आड़ में ओवरलोड बालू दिन रात चलाते हैं, जिसमें बालू को तिरपाल से भी नहीं ढका जाता है। ग्रामीण सपन कुमार महतो ने बताया कि समाज सेवा के नाम पर वैध डंप के आड़ में हरेलाल महतो अवैध रूप से बालू का खेल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन कभी ओवरलोड पर भी धरपकड़ नहीं करती और ना ही चालान देखा जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों का जान लेने वाले अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं। उन्होंने कहा कि खनन विभाग ओवरलोड और अवैध बालू पर कार्रवाई करे और बंद कराए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। सैकड़ों घटना हो चुकी है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है ऐसी घटना, जिसमें से थाना प्रभारी की सबसे बड़ी लापरवाही है। आज थाना प्रभारी की लापरवाही नहीं होती तो इतना अवैध खनन और ओवरलोड जो यहाँ परमिट नहीं है, ये गाड़ी का बिल्कुल परमिट नहीं है इस सिंगल रोड में और ना ही गाड़ी के पास चालान है। तो यदि चालान नहीं है और थाना दरवाजा से होकर ये गाड़ी गुजर रही है तो इसकी जवाबदेही, सबसे पहला जवाबदेही थाना प्रभारी की बनती है। और थाना प्रभारी यदि जवाब नहीं देती है तो मान लीजिए कि ये सब हरेलाल महतो का चेला है और हरेलाल महतो ही कानून को और थाना प्रभारी को चला रहा है। और ऐसे ही यदि चलाते रहेगा तो आए दिन ये अपने आप को कहते हैं, बड़े बड़े मंच में भाषण देते हैं, इनकी पार्टी भाषण देती है कि जनसेवा ही लज, हमारी सेवा जनसेवा है। ये जनसेवा नहीं, जनभक्खन है, ये जानलेवा हमला है, ये जानबूझकर हत्या कर रहा है आदमी को। आए दिन ये यदि MLA MP बनते हैं तो ये ना जान रहेगा, ना माल रहेगा, ना हमारे पास बालू रहेगी, ना हमारे पास आदमी रहेगा, सब कोई खत्म कर देगा। आज नहीं, इनका रवैया दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, घटते नहीं। ये जनसेवा नहीं, जन का हत्या करने वाला शख्स है हरेलाल महतो। आज नहीं, ऐसी घटना हजारों घटना कर चुके हैं ओनली फॉर HLM का घटना कभी पर्दाफाश नहीं हुआ है, सब मिली भगत चलता है प्रशासन का। इधर मानगो स्थित डिमना रोड में सब्जी विक्रेता हेमंत सिंह सांप को गले में डालकर मस्ती कर रहा था, जिसके बाद सांप ने जकड़ लिया और उसकी मौत हो गई। मानगो स्थित दिमना रोड में बुड़ाम निवासी सब्जी विक्रेता 55 वर्षीय हेमंत सिंह ने सांप को गले में डालकर मस्ती कर रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके गले को जकड़ लिया, जहां घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को MGM में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मालकी क्या हुआ तो? से आया था सब्जी उब्जी लाता है, लेकिन आज सांप लेके आया था, आज थोड़ा बहुत नींबू लाया था, उधर देख के आया, पैसा देख के आया यार, यहाँ सांप निकाल के जा रहा है, यहाँ से जाते जाते उसको वहाँ आगे में पूरा सांप उसको लेपट दिया। सांप पकड़ा हुआ था वो? पकड़ा हुआ था, ऐसे टांगा हुआ था गला में। हाँ, तो टांगा हुआ तो उसको पूरा लेपेट दिया कि वो छोड़ाने नहीं था, पटक के गिर गया। अभी पुलिस को यहाँ बुलाया था, हमने से किया
डंडा उंडा से हटाया, हाँ पुलिस लोग ही गया डंडा उंडा से उड़ा हटाया, तब वो आदमी को छोड़ा, वो तब तक तो आदमी मर गया। कौन गांव है? भुयासी नाल। कहाँ पड़ता है? गोटमदा। गोटमदा में पड़ता है। वो इधर काम कर रहा था हम लोग, जब देखा उधर भीड़ है तो जाके हम लोग देखा, जाके देखा एक आदमी मरा हुआ पड़ा था उधर। वो आदमी लोग बोल रहा था वो खिला दिखाने के लिए आया था, तो गला में लपटा के मर गया। वो सांप को गला में लपटा हुआ था? कौन सा सांप था? अजगर था। मुंशी जी के द्वारा सूचना मिला कि बकरी बाजार के पास सांप के लपेट लेने से किसी एक आदमी को मार दिया गया है। वहाँ से हम लोग ड्यूटी में थे ही, हम वहाँ स्पॉट पर पहुँचे, देखा कि काफ़ी भीड़ है, गाड़ी से रोड जाम हो चुका था, इसलिए पहले डेड बॉडी को सूचना देते हुए थाना को सूचना दिया, बड़ा बाबू को देते हुए फॉरेस्ट को ऑफिस के बताने के लिए कह दिया गया, और डेड बॉडी को लेकर के MGM चले आए। अब यहाँ से इसकी कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद हम इसको शीतगिरी में रखेंगे। और उसके लोग क्या बता रहे थे? उसके उन लोगों का कहना था कि प्रति सप्ताह ये अपना एक सांप को लेकर के आता था, बार बार दुकान सब ने देखा देखा कर उसको पैसा मांगा करता था, और आज ना उसको सांप के द्वारा उसको लपेट लिया गया, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सब्जी भी बेचता था जैसे लोग बताया वहाँ पर? इसके बारे में जानकारी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, और हम लोग इसके गला में लपटने से ही जी हाँ गला में लपेटने से उसकी मृत्यु हुई है। बाद में पता चला कि फॉरेस्ट के द्वारा सांप को पकड़ लिया गया है। उधर जमशेदपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, हिरणों के सींग और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्सों के साथ 3 तस्कर को पलामू से गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर वन विभाग ने झारखंड समेत अन्य राज्यों में फैले वन्य जीवों की हत्या कर इसकी तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 3 लोगों को पलामू से गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के DFO सबा आलम अंसारी के नेतृत्व में यह छापेमारी रेंज ऑफिसर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से तेंदुए का खाल बरामद किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर ही पलामू में छापेमारी कर वन विभाग की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हिरण के सिंग और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्से बरामद किए गए। ये नेटवर्क पूरे झारखंड में फैला हुआ है। इनके तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास से शिकार करने वाले सामानों और अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया है। इन 3 को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वन विभाग इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस पूरे घटना में 1 मिलिट्री मैन के अलावा 1 पारा शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस गिरोह के सदस्य थे। बुधवार को पकड़े गए लोगों में जाकिर हुसैन, दिनेश्वर सिंह और विजय यादव शामिल है। यह 3 पलामू के रहने वाले हैं। वन विभाग इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में छापेमारी करने का प्रयास कर रही है। और इनके विरुद्ध हम लोगों ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 49, 50, 51 के अंतर्गत केस दर्ज किया है, और जो लोग पकड़ाए हैं उनके घरों से हमें काफ़ी सामान जब्ती हुई है, जैसे बाघ, तेंदुआ फंसाने का जाल, फांस, हथियार वगैरह सब कुछ शामिल है इसमें। साथ ही साथ पॉर्क्यूपाइन का क्विल्स जो होते हैं वो पकड़ाया है, हिरण के सिंग पकड़ाए हुए हैं। तो इससे हम लोग काफ़ी अच्छा प्रयास किए हैं वन प्राणी शिकार को रोकने के लिए। आगे और भी कार्रवाई होगी, इन जितने भी गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनकी और गहन पूछताछ करने के बाद एक और सूचना हम लोगों को मिली है कि इसमें एक CR ग्रुप है जो राजस्थान का है, उसके लोग शामिल हैं, और आगे केस का अनुसंधान जारी है। जैसे जैसे लोगों का नाम पता चलेगा वैसे वैसे गिरफ्तारी की जाएगी। कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? कुल 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये कहाँ से पकड़ते हैं तेंदुआ? ये तेंदुआ अभी तो पलामू से पकड़े हुए हैं ये लोग। सर, लोग बेचने किसको आए थे पता चला? हम लोगों ने इनका मोबाइल फोन वगैरह जब्त किया है। इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा एवं CDR एनालिसिस वगैरह किया जाएगा, और जो मेन अभियुक्त है, जो टॉप हैंडलर्स है, उनको पकड़ने का कोशिश किया जाएगा। वहीं सिद्धगोड़ा के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 30 पेटी नकली शराब को जब्त किया, साथ ही 1 तस्कर गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। यहां छापेमारी कर 1 तस्कर दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया। दीपक यादव ठिकाने से उत्पाद विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया। लगभग 30 पेटी यानी 316 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद हुए।
साथ ही खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद किए गए। बरामद नकली शराब की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति दीपक यादव अवैध शराब का तस्कर है। उत्पाद विभाग उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आज गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धौड़ा थाना अंतर्गत ग्वाला बस्ती से में छापामारी की गई है और जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और वहां से अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। और जमशेदपुर के युवा अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की राजस्थान स्थित जयपुर में संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने SSP को ज्ञापन सौंपकर मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की। जमशेदपुर के युवा अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की राजस्थान स्थित जयपुर के एक होटल में हादसे में हुई मौत प्रकरण की गहन जांच की मांग पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल SSP किशोर कौशल को ज्ञापन सौंपकर मामले का न्यायिक जांच की मांग की है। यंग अधिवक्ता प्रवीण दुबे की अचानक दर्दनाक हुई मौत को लेकर के, चूँकि वो जयपुर किसी क्लाइंट के काम के सिलसिले में गए हुए थे और हमें खबर मिली कि वो अपने जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी होटल के तीसरे तल्ले से वो गिर गए और अचानक उनकी मौत हो गई गिरने के कारण, जो कि हम लोगों को विश्वास में नहीं हो रहा कि ऐसा अचानक कैसे हो सकता है, और वो भी 3 बजे रात में सोए हुए कंडीशन में। तो हम लोगों को इसमें कुछ डाउट हो रहा है, उनके परिवार के लोगों को भी, उनसे बातचीत भी हमारी हो रही है। हम लोग ये मांग करने के लिए आज SSP साहब के पास आए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, वहाँ के प्रशासन से मांग करें कि किस क्या कांड हुआ है, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं वो CCTV कैमरे भी होंगे, प्रशासन वहाँ भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रही होगी। इस स्तर पे हम लोग जांच चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होकर के हम लोगों को रिपोर्ट मिले कि यह नेचुरल डेथ है या फिर कुछ ना कुछ इनके साथ किया गया हादसा है। इसकी जांच के लिए हम लोग SSP साहब के पास माध्यम से आए हैं। हमारी पूरे जिला के हमारे सारे पदाधिकारी हैं हमारे हैं, जो भी हमारे बार के जीते हुए नए पदाधिकारी और पूरे अधिवक्तागण हमारे सारे साथी, आज हम अपने कामों से हम अपने आप को दूर रखे हैं और इसकी जाँच करना चाहते हैं, जाँच करवाना चाहते हैं। और SSP ने आश्वासन दिया और SSP जयपुर और DGP राजस्थान से बात करके बोले हम लोग आपको खबर करेंगे। इसी मामले में हम लोग सारे बार एसोसिएशन के करीब 200-250 अधिवक्ता आज SSP साहब से हम लोग मिलने आए। ये घटना हम लोग का परसों को ही हुई है और कल आज हम लोग अपने न्यायिक कार्य से अलग भी रखे हैं। सारे वकील आज पूरे दिन भर काम से अलग रखे हैं अपने आप को। बिष्टुपुर स्थित GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेल्डी के तत्वाधान में रीजनल हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 160 प्रतिभागियों ने शिरकत किया। बिष्टुपुर स्थित GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेल्डी की ओर से रीजनल हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में देवघर और जमशेदपुर के 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज हम लोग सेकेंड CISCE रीजनल हैंडबॉल टूर्नामेंट एंड चैंपियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ GRD में, और इसमें हमारा आज का खेल दिवस भी है तो इसको सेलिब्रेट करते हुए ये ओकेजन को हमने रखा है। और हमारे यहाँ वैसे तो 6 जोन्स हैं लेकिन 2 जोन्स आपस में आज खेल रहे हैं, और जो आज का विनर होगा वो नेशनल्स रिप्रेजेंट करेगा, नेशनल्स हैंडबॉल रिप्रेजेंट करेगा। उधर सुनारे स्थित आदर्श सेवा संस्थान प्रांगण में सामाजिक संस्था IYDF के तत्वाधान में छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। सुनारे स्थित आदर्श सेवा संस्थान प्रांगण में सामाजिक संस्था IYDF की ओर से छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में आदर्श सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। नमस्कार, मैं राकेश राउत जमशेदपुर साक्षी से हूँ और IYDF के तरफ से और JEE Works के तरफ से कुछ जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ आज उनके लिए गिफ्ट्स, कुछ खाने के आइटम्स, गुड्स और ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मुझे ये कार्य करने का शुभ अवसर मिलता रहे और मैं आगे और भी अच्छा करूँ और लोगों की मदद करूँ। वही अपनी मांगों को लेकर 39वें दिन भी जारी रहा मनरेगा कर्मचारियों का हड़ताल। कर्मचारियों ने सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी, कहा चुनाव में दिखेगा असर। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर वादा निभाओ स्थायी करो सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत झारखंड मनरेगा कर्मचारियों का लगातार 39वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा, जहां जमशेदपुर के मनरेगा कर्मी DC कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष दुराई हेमरम ने बताया कि झारखंड मनरेगा कर्मचारियों का 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम घेरा डालो डेरा डालो विधिवत संपन्न हुआ, परंतु उस दिन मुख्यमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम रहने के कारण वार्ता संपन्न नहीं हो पाई। 21 अगस्त को प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी से मिलने का समय मिला। संघ के सदस्यों ने सकारात्मक वार्ता की, परंतु लिखित वार्ता नहीं होने के कारण प्रदेश कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का पुनः घोषणा किया। जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2 सितंबर के बाद पुनः रांची कूच किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को दो मांग ग्रेड पे और स्थायीकरण की मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता तो उसका नतीजा सरकार को चुनाव में देखने मिलेगा। वे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, ये तो सरकार का पांचवा साल कंप्लीट होने को है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हड़ताल पर तो डटे ही रहेंगे। साथ ही इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी हम कोशिश करेंगे। पिछले बार हमारे ही बल पर इन्होंने सरकार बनाया था। चाकोलिया भालुक बिंधा जंगल में वन प्रबंधन एवं संरक्षण महासमिति एवं जोहार भारत फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पेड़ों को बचाने के लिए संकल्प लिया गया। पद्मश्री जमुना टोडू के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में महिलाओं ने साल के वृक्ष में राखी बांधी और पेड़ों को बचाने के लिए संकल्प भी लिया। वहीं जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, सिटी एसपी रेंजर दिग्विजय सिंह समेत कई मुख्य लोग शामिल रहे। नमस्ते जोहार, मैं पद्मश्री प्राप्त जमुना टोडू। आज का जो कार्यक्रम है, आज हम लोग पेड़ों में राखी बांधे, जैसे हम लोग रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, तो आज हम लोग पेड़ का दीर्घायु के लिए राखी बांधे। हजार महिलाओं का साथ में मिलकर आज हम लोग पेड़ों में राखी बांधकर उसका संकल्प लिए कि भाई जितना दिन इस शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ों को सुरक्षा करेंगे, उसको रक्षा करेंगे। और जैसे भाई मुझे सुरक्षा देते हैं, इसी तरह पेड़ मुझे सुरक्षा दे, इसके लिए मैं आज राखी बांधने का, पेड़ों में राखी बांधने कार्यक्रम रखी। कितने सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं आप? कम से कम 25 साल हो गया है। मैं 25 साल से पेड़ों को सुरक्षा करने का, लोगों को जागृत करने का, गांव में लोग जा जा के जंगल को बचाने के लिए लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। कम से कम 25 साल हो गया। 25 साल से मैंने रक्षाबंधन का कार्यक्रम करती हूँ और 5 जून को मैडम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इस तरह से राखी बांधने से? जी, आप जो देख रहे हैं ये पेड़ पौधा, ये 25 साल का पहले जो पूरा समतल था पेड़ को, मतलब पौधा था, ये जो छोटा छोटा जैसे दिखाई देना वैसे था, वैसे था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कितना हरियाली हुआ है इस जगह में। जहाँ पर हम लोग आज रक्षा धागा बांधे, ये भालुक बिंधा जंगल है और ये भालुक बिंधा का जो वन सुरक्षा समिति है वो सुमित्रा महतो है। और इसी तरह मैंने कई समिति बनाई हूँ, कम से कम 500 से अधिक समिति बनाई हूँ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका, युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आएं और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेस कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है, हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेस होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है
कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्क आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहां इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड ए ब्लॉक, धतकड़ी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफर होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चायबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का और बाद में जा करके बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहां पर की समुचित व्यवस्था हो, जहां पर कि आपके बच्चे का, जच्चे का, बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहां पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। महिलाओं ने कहा ममता बनर्जी तत्काल इस्तीफा दे। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर में क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से रैली निकालकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध जताया। कहा दोषियों को फांसी दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह समेत अन्य महिलाओं ने कहा कि कलकत्ता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, दोषियों को अविलंब फांसी हो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्काल इस्तीफा दे। कलकत्ता में जो घटना घटा है बहुत ही निंदनीय है, उसके लिए हम लोग उठे हैं। कलकत्ता में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और सरकार मुंह बंद करके बैठी है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ
कि जो जिसे विश्व गुरु का नाम दिया जाता है वो इतने सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कानून बना रहे हैं? हम लोग आज महिला के लिए कड़ा से कड़ा कानून की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर बेटियों को कोख में मार देने का कानून बनाया जाए। किसका पुतला दहन किया आप लोग आज? आज हम लोग ममता बनर्जी का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि लड़की के ऊपर इतना मतलब बुरी तरह से उसके साथ अत्याचार किया गया है। अभी तक उसको किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला है, दोषी को अभी तक कोई सजा नहीं मिला है, ना ही कोई दोषी पकड़ में आया है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, जल्द से जल्द मांग, इसी चीज का हम लोग मांग कर रहे हैं। दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीण अपने हाथों में पारंपरिक हथियार लिए दलमा इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में दलमा वन्य प्राणी आश्रेणी अंतर्गत चांडिल निमडी पटमदा व बोड़ाम प्रखंड क्षेत्र के हजारों ग्रामीण परंपरागत हथियार के साथ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किए। हाल के दिनों में दलमा इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आने वाले हजारों ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है और उनके पक्के मकान को अवैध बताया जा रहा है, जिसे लेकर आसू पार्टी के प्रदेश महासचिव हरेलाल महतो और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद राय ने इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग के द्वारा जारी नोटिस को गलत बताया। विरोध प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 6 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इको सेंसिटिव जोन एक्ट को वापस लेने, दलमा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, वन्य प्राणियों द्वारा फसल नष्ट करने पर अविलंब क्षतिपूर्ति देने, वन्य प्राणी द्वारा जान से मारने पर आश्रितों को सरकारी नौकरी तथा 50 लाख रुपए मुआवजा, वन भूमि पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वनाधिकार पट्टा स्थानीय लोगों को देने तथा दलमा क्षेत्र के विकास के नाम पर चल रही योजनाओं की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की गई है। चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो अपने समर्थकों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिए। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरेलाल महतो ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के नाम पर दलमा क्षेत्र के ग्रामीणों को नोटिस भेज कर डराने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों साल से हम लोग जंगलों और पहाड़ों के बीच रहकर दलमा जंगल और जंगली जानवरों को बचाए हैं और आज हमें जंगलों से भागने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह का अन्याय और अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के नाम पर वन विभाग ग्रामीणों को डराने का काम बंद करें। मौके पर दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमडी जिला परिषद सदस्य असित सिंह पात्र ने कहा कि 2 दशक से दलमा क्षेत्र के ग्रामीणों ने माओवादियों के साथ संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में माओवादी मुक्त क्षेत्र हुआ है। अब वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। अब हम सभी को एकजुट होकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दलमा वन विभाग द्वारा आए दिन ग्रामीणों को किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है। जो इको सेंसिटिव द्वारा जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के खिलाफ में जब हम लोगों को जानकारी हुई, लोगों को जानकारी हुई तो लोगों इकट्ठा हुआ, तो लोगों को बुला के हम लोग आपस में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति बना के बैनर तले एक आंदोलन करेंगे, उसके लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और मुहिम तक पहुँचेंगे, ताकि इको सेंसिटिव जोन बोला जा रहा है कि इको सेंसिटिव जोन में जो कंक्रीट काम है उस काम के द्वारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से और हम लोगों के ख्याल से कभी भी जंतु जानवर का धर्मा को और पर्यावरण को हम लोग क्षति नहीं कर रहे हैं, नष्ट भी नहीं कर रहे हैं। पूर्वजों से वो सारे काम बचे हुए हैं। उस तो नोटिस दिया गया है, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग विस्थापन हो जाएंगे। नोटिस के माध्यम एक एक नोटिस में तीन बार नोटिस होगी। हम लोग मुलाकात किए थे ऑफिस में जाकर, तो ऑफिस में केरनी लोग बोल रहा था कि 3-3 बार नोटिस होगा। तो 3-3 बार नोटिस देने का मतलब क्या है भाई? नोटिस हम लोग, ये भी हम लोग का निर्णय हुआ राज्यपाल महोदय को, हम लोग का व्यथा, हम लोग का दर्द, हम लोग भावना राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम लोग सरकार को अवगत करवा रहे हैं। अगर सरकार इसमें दलमा सेंसिटिव जोन को आपस नहीं लेती है और हम साथ साथ 6 सूत्री मांग है, वो 6 सूत्री मांगों को गौर से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग इस आंदोलन को क्रमागत रूप से क्रमानुसार इस आंदोलन को तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और दलमा सेंसिटिव जोन को निरस्त करके ही रहेंगे। यही हम लोगों का आशा एवं अपेक्षा है। आज इको सेंसिटिव जोन के लेके पूरा दलमा के चारों साइड में जो ग्रामीणों को नोटिस किया गया, अधिकारी लोगों को सभी का घर में नोटिस चला गया कि आप यहाँ घर खाली कीजिए। इसी के विरोध में आज पूरा दलमा के चारों साइड के ग्रामीण
सब आज यहाँ चांडी लोडो मंडल में एसडीओ के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि इससे जो कानून अभी बना है इसको अविलंब वापस लिया जाए और जो नोटिस कर रहे दोबारा नोटिस पब्लिक के बीच में ना जाए, नहीं तो हम लोग और इससे बड़ा आंदोलन हो। वही तो बोला उद्योगपति के साथ साथ पूरा आप देखिए सरकार में अभी डेमना में 500 बेड का हॉस्पिटल अभी बना रहा, अभी वो हॉस्पिटल चालू भी नहीं हुआ। जब सरकार उतना 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहा है, अगर गरीब आदमी एक अपना घर रहने के लिए आज जो हजारों साल से यहाँ बास कर रहे हैं तो उनको घर बनाना उसमें नोटिस कर रहा है, सरकार क्यों बना रही है सेंसिटिव जोन में उतना बड़ा बिल्डिंग? पूरा डिमना का शहर बसा हुआ है इसी इको सेंसिटिव जोन। हाँ पूरा आंदोलन होगा, पूरा हम लोग सीएम आवास घेरेंगे, राज्यपाल के वहाँ घेरेंगे। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय है और कई बार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी ये गिरोह लगातार वारदातें कर रहे हैं। ताजा मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बाइक चोरों ने हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक को अपना निशाना बनाया। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय है, लगातार हो रही बाइक की चोरियां। ताजा मामला है बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क गेट नंबर 2 के समीप का, जहां दिन दहाड़े काली रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो बाइक की चोरी हो गई, जिसकी लिखित शिकायत बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई है। घटना के संबंध में भुक्तभोगी विवेक कुमार ने जानकारी दी। मैं विवेक कुमार शर्मा सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती का रहने वाला हूं। 28 अगस्त 2024 मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गई है। जो एक्सीडेंट है ये कि हमारी बाइक चोरी हो गई है। बाइक चोरी हुई है ऋषि मोदी जुगली पार्क से, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत खोजा, गाड़ी उड़ी मुझे नहीं मिली। नहीं मिलने के वजह से मैं बिष्टुपुर थाना में जाके लिखित के तौर पर कंप्लेन किया हूँ, और कंप्लेन करने के बाद मुझे बिष्टुपुर थाना ने बोले हैं कि आप बेफिक्र रहिए, जिसके वजह से आपकी गाड़ी मिल जाएगी। और मैं यही निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द गाड़ी मिल जाए। मेरी गाड़ी है स्प्लेंडर ब्लैक कलर की। गाड़ी की नंबर है JH05BF6 4643। इधर मिक्स जेंडर क्रिकेट व फुटबॉल मैच खेलकर बच्चों ने पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मान दिया। मिक्स जेंडर क्रिकेट व फुटबॉल मैच खेलकर बाल बालिका समानता का संदेश दिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गालोडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय धतकड़ी के दिन की शुरुआत देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को याद कर किया गया। प्रार्थना सभा में मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल को याद करते हुए उनके प्रेरक जीवनी से बच्चों को रूबरू करवाया गया। ध्यानचंद के खेल ओलंपिक में लगातार 8 बार स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी की बादशाहत जर्मनी के तानाशाह हिटलर के सामने ध्यानचंद ने ना झुकने की प्रेरक कहानी हम सभी को हमेशा प्रेरित करती है। खिलाड़ियों के सफलता की कहानी के माध्यम से बच्चों को यह बतलाने की कोशिश की गई कि पढ़ाई के अलावा खेल के क्षेत्र में भी कड़ी मेहनत कर सफलता पाई जा सकती है। मिक्स जेंडर क्रिकेट मैच के बाद दोनों टीमों ने फुटबॉल मुकाबले में अपना हाथ आजमाया। 10-10 मिनट के दो हाफ वाले मैच में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दूसरे हाफ के आखिरी मिनट में नीरज चोपड़ा एकादश के कप्तान आमिर हांसदा ने शानदार फॉरवर्ड शॉट से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अपनी टीम को 1-0 से मैच जिताया। मिक्स जेंडर क्रिकेट मैच में मानु भाकर एकादश 5 रनों से विजेता रही। वहीं मिक्स जेंडर फुटबॉल मैच में नीरज चोपड़ा एकादश 1-0 से विजयी रही। खेल के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने की घोषणा के बाद उनके कार्यालय को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद झारखंड की सियासत के साथ उनके विधानसभा सरायकेला के सियासत में भी बदलाव नजर आने लगा है। इधर उनके विधानसभा अंतर्गत राजनगर के महुलडी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का रंग भी उतरने लगा है। इसे अब भगवा रंग से रंगा जा रहा है। वहीं जगह जगह बीजेपी के बैनर पोस्टर लगाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों में उनके भाजपा में शामिल होने की खुशी साफ देखी जा रही है। पहले जेएमएम का था तो अभी भगवा कलर हो रहा है, दादा का आदेश है, यहाँ झंडा भी लग जाएगा हर जगह बीजेपी का, और भगवा कलर ऑफिस भी हो जाएगा अभी। तो पहले हरा वाला था, हम सब जेएमएम में था, अभी दादा का आदेश है, हम लोग सब बीजेपी में, दादा जहाँ जाएगा वहीं से हम लोग जाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के तिरुलडी मिलन चौक सड़क पर ओवरलोड बालू हरदे हाईवा ने बाइक को कुचला, 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। मानगो स्थित डिमना रोड में सांप को गले में डालकर मस्ती करने के दौरान सांप के जकड़ने से हुई व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर वन विभाग ने हिरण के सिंह और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्सों के साथ 3 तस्कर को पलामू से किया गिरफ्तार।
और सिद्धगोड़ा के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 30 पेटी नकली शराब किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।